आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव मिठोली पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 3200 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान रामकिशोर शर्मा संभाले हुए हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान रामकिशोर शर्मा और सचिव विकास कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, ये जानते हैं ग्राम प्रधान के द्वारा। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के मिठोली ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते ग्रामवासियों की मदद की गई है और क्या प्रतिक्रियाएं आगे के लिए उनकी जारी हैं, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ ग्राम प्रधान से। आइए चलते हैं। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ग्राम प्रधान मिठोली जी। जैसे कि 4-4.5 साल लगभग कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य की ग्राम पंचायत में अब तक हुए? मैंने अपनी ग्राम पंचायत में 75% सिंचाई लगवाई, 4 स्कूल की बाउंड्री कराई, स्कूलों टाइम से लगवाई और टाइम लगवाई 4 स्कूल में। आवास मिले हैं? आवास नहीं आए हैं। एक भी कोई आवास? कितने परिवार हैं? 3 आवास आए थे। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? 50 परिवार। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इसका सब 100% लाभ यहाँ मिलता है। सम्मान निधि का पैसा आ रहा है लोगों का? सम्मान निधि का 75% आया है, 25% नहीं आया। जैसे यहाँ लॉकडाउन रहा अभी 70 दिनों का और पूरी तरह से रहा है, लॉकडाउन अभी भी है, लेकिन उस समय में लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियाँ उनके सामने आई खाने पीने को लेकर के, या और भी कई तरह की दिक्कतें गरीब परिवारों के सामने आती है, तो एक जो है गांव के मुखिया होने के नाते आपका क्या योगदान रहा है इसमें? मैंने 15,000 रुपये दिए थे, 15,000 योगदान करा था गरीबों के लिए और राशन वितरण ऊपर चाहिए फ्री में मिल जाए। तो ये जो आपने 15,000 का योगदान दिया था वो किस तरह से, मतलब ब्लॉक के लिए दिया था? जी, ब्लॉक मार्ग ब्लॉक की तरफ से आपने दिया था, मतलब सभी परिवारों को जो मिल जाए। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं? नहीं, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। अस्पताल? नहीं, अस्पताल संभल ही पड़े। हमारे यहाँ लगभग कितना किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता होगा? होगा 12 किलोमीटर। उससे पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है आसपास, तो इसके लिए कभी आपने कोई प्रस्ताव रखा, मांग रखी है? हाँ, रखा है मैंने जी। तो उसमें क्या कोई जवाब नहीं? ग्राम समाज की जगह है तो गांव में? हाँ, जगह है। तो इस तरह का भी यहाँ पर जो है मांग रखी जा सकती है? जब ग्राम समाज की जगह है तो कभी यहाँ कोशिश नहीं की गई कि अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया जाए? कोशिश करी मगर कोई रिजल्ट मिला? कोई कार्रवाई, मतलब कोई रिस्पॉन्स उसका कहीं से भी अभी तक नहीं मिला। पानी पीने की जो है बढ़िया नहीं है, जो सरकारी लगे हुए हमारे नल ज़्यादा बढ़िया पानी नहीं है जी। तो नलों का पानी सही नहीं है, 50-25% नलों का पानी बढ़िया नहीं है, मतलब पानी जो है कहीं ना कहीं अशुद्ध है यहाँ, शुद्ध पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा है। 70% पानी चाहिए। तो इसके लिए आपकी क्या कोशिश है, किस तरह से हो सकता है कि लोगों को मिले? मैंने टंकी बारे में बात करी थी पीछे, उसका भी कुछ नहीं मिला मुझे जी। तो अब जी, जैसे आपने अस्पताल को लेकर भी कोशिश की है, ओवरहेड टैंक को लेकर भी कोशिश की है, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं तो सरकार से यही कोशिश करूँगा, उनकी जरूरत है। जैसे हमारा एक जूनियर स्कूल है, उसकी हालत बहुत खराब है जी, और शायद वो आपकी बरसात में धोखा दे जाए, थोड़ा पानी दे सकता है। इसके लिए भी मैंने काफ़ी वो करा, मगर अभी उसका भी कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला जिससे कि वो सही हो सके। मतलब जूनियर स्कूल जो है उसकी हालत लगभग जर्जर है। तो अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप जो है रखना चाहेंगे सरकार से? पहली मुख्य तो मेरी यही है कि जूनियर स्कूल की मरम्मत सही जरूर हो जानी है, निर्माण होना चाहिए उसका, क्योंकि वो जो बरसात में अपनी बरसात नहीं कर पाए पूरा मिल सकता है। और दूसरी है पानी की टंकी अगर वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छी आदमी, तो पानी को लोग ज़्यादा है जी। अब जैसे यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, पूरे देश में अनलॉक हो चुका है, तो इसको लेकर के अपने गांव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बीमारी अभी थमी नहीं है,
बढ़ रही है दिन दिन। ना गांव में मेरे कोई मरीज नहीं मिला अभी तक, पर सब अपने उसका पालन करते हैं, कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। लोगों को काफी हद तक जागरूक करते रहते हैं, ध्यान देते हैं शिक्षा के कहीं कोई नियम का उल्लंघन या कोई जो है ऐसी समस्या कोई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते 4.5 सालों में यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ कुछ ही लोगों को मिले हैं, लेकिन अब भी 50 परिवार लगभग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन एक जूनियर हाई स्कूल जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल ही जर्जर हालत में है, जो हो सकता है कि ये आने वाला जो बरसात का सीजन है पूरी तरह से ना जो है झेल पाए, पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, इससे खासा नुकसान यहाँ हो सकता है। और इसके साथ ही अगर और समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ काफी समस्याएं हैं, जैसे कि पीने का पानी यहाँ शुद्ध नहीं है, लोग मतलब बहुत ही जो है अशुद्ध पानी यहाँ पर पी रहे हैं। शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए ओवरहैंड टैंक के लिए यहाँ पहले भी कई बार मांग रखी जा चुकी है, प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। स्वास्थ्य केंद्र जो कि यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर जाकर है, नजदीक कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसके लिए भी प्रस्ताव कई बार पहले भी रखा जा चुका है, लेकिन शासनिक प्रशासनिक किसी भी वजह से यहाँ पर कोई कार्यवाही या उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई है। जी सर, क्या नाम है आपका? हरिराज सिंह। कहाँ के निवासी हो? मिठोली यहीं के। अच्छा, यहाँ 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? ठीक हुआ है विकास, सही काम हुआ। किस तरह से? मतलब ठीक काम हुआ है, सड़कें और स्कूल का सब काम हुआ। सहमत हो आप इनके कार्यों से? हाँ सहमत। क्या नाम है आपका? जिया नसीर। जिया नसीर, आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हो विद्यालय में? यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? ये 4 दीवारी ग्राम इन्होंने प्रधान जी ने कराई है, गेट वगैरह लगवाया है और ये टाइल्स वगैरह बिछवाई हैं, ये लेटरिन बाथरूम बनवाया है। विद्यालय के लिए समय देते हैं ग्राम प्रधान जी? हाँ।